को नौकरी दी जाए, जो सरकार के द्वारा से हमें मुआवजा मिलता है वो हमें दिया जाए। हमारे घर की परिस्थिति बहुत ख़राब है, इसलिए हमारे पापा ड्यूटी करते थे और मेरे भाई थोड़े छोटे हैं, मेरी शादी हो रखी। अब और भी ज्यादा जोश से उठाइए अपनी जिम्मेदारी, शुरू करिए अपना खुद का काम विद क्रूसर प्राइवेट लिमिटेड। प्याजो आपे कार्गो एंड पैसेंजर थ्री व्हीलर टेम्पो अब डीजल पेट्रोल के साथ सीएनजी में भी उपलब्ध। आइए क्रूसर प्राइवेट लिमिटेड, अपोजिट रिलायंस मार्ट, नसीराबाद रोड, बिहारीगंज, अजमेर। मेरे पापा, हम कलेक्टर ऑफिस आए हैं, हमारे पापा होमगार्ड में थे, उनकी एकदम अचानक ही मौत हो गई है, इसलिए हम हमारे भाई के लिए आए हैं कि हमारे भाई को नौकरी दी जाए, जो सरकार के द्वारा से हमें मुआवजा मिलता है वो हमें दिया जाए। हमारे घर की परिस्थिति बहुत ख़राब है, इसलिए हमारे पापा ड्यूटी करते थे और मेरे भाई थोड़े छोटे हैं, मेरी शादी हो रखी है, मैं बड़ी बहन हूँ, मैं अपने ससुराल हूँ, पर हमारे को मुआवजा मिला जाए सरकार की तरफ से, जो मिलना चाहिए, और मेरे भाई को एक अनुपंपा पे नौकरी मिलनी चाहिए होमगार्ड ऑफिस से। मैडम से मुलाकात की आपने? हाँ, हुई मैडम से। क्या बात? उन्होंने बोला ठीक है, हो जाएगा, मैडम ने सील लगा के दी। पहले भी आपने किसी और से मुलाकात की थी? नहीं नहीं, किसी से नहीं की थी, उसके अभी तक हमारे कुछ हुआ नहीं ना, इसलिए हम यहाँ आए मजबूरन। आपका नाम? मेरा नाम नेहा देवी। भैया, क्या लेकर आए हैं, क्या मांग है आपकी तरफ? आज हम हमारे वाल्मीकि समाज से होमगार्ड के अंदर से कार्यरत दीपक जी चौहान, नसीराबाद निवासी, आज से 21 दिन पहले वो उनकी ड्यूटी लगी हुई थी सेंट्रल जेल के अंदर, तो उसके बाद में उनकी तबीयत बिगड़ी, फिर उनको जेलन अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिर 5 तारीख को उनका स्वर्गवास हो गया। इस चक्कर के अंदर हम आज यहाँ पे कलेक्टर साहिबा के पास आए, उनसे मुआवजे की मांग करने आए और एक अनुकंपा पे एक बच्चे को नौकरी लगाई जाए, क्योंकि पीड़ित परिवार की स्थिति बहुत ही संगनी है। इस चक्कर में हमने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। ऑन ड्यूटी पे थे, वो होमगार्ड निवासी थे, उनका बैच नंबर था 1634। अभी तक तो ऐसी कोई सहायता, जैसे कि अभी छोटी सी सहायता मिली थी, यहाँ से आए थे 55,000 रुपये का वो कुछ देके गए मुआवजा, 57,000 रुपये का वो सहायता राशि देके गए, और बाकी जैसे हमारी पीड़ित परिवार की इच्छा है कि एक बच्चे को अनुकंपा पे नौकरी लगाई जाए और जो सरकार की तरफ से जो मुआवजा मिलता है उसकी राशि इन पीड़ित परिवार को दिलाया जाए। मैडम जी, क्या बात है? मैडम जी ने आश्वासन दिया है कि इस पे कार्रवाई होगी, और अभी हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे दिया है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पे जल्द ही कार्रवाई होगी। विजय खेरालिया, कलेक्टर।